हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हमने आपको वादा किया था कि अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम की हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले हम ही आप तक पहुंचाएंगे। तो इसी कड़ी में एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक सुधार का संदेश लेकर जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मंच पर मौजूद होंगे, उनके साथ मौजूद होंगे कोरोना वॉरियर्स। वो कोरोना वॉरियर्स जो कभी कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उन्होंने कोरोना को मात दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अयोध्या आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो, सब चीज व्यवस्था सकुशल हो जाए। इसके लिए खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं, हमारे साथ हैं अयोध्या के SSP दीपक कुमार। आप हनुमानगढ़ ही आए हैं, और चूंकि एक तरीके से कहते हैं ना, जब शादी होती है घर में उस तरीके का इंतजाम करना पड़ता है, PM को आना पड़ रहा है, क्या इंतजाम किया सुरक्षा के लिहाज? देखिए, आज अयोध्या जी के लिए ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या सप्तपुरियों में से एक है, और आज अयोध्या जी में जो राम जन्मभूमि का शिला पूजन होने जा रहा है, पूरे अयोध्या में उल्लास का माहौल है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हर्ष का विषय है हम सभी के लिए। सबसे पहले तो इसी हनुमानगढ़ी में आएंगे, पीछे जो दिख रहा है जी, ये हनुमानगढ़ी चूंकि अयोध्या जी में सबसे प्राचीनतम और सबसे मान्यता प्राप्त स्थान में एक है, जहां लोग सबसे पहले आते हैं और लोग कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा हमेशा से अयोध्या जी पर रही है, तो हनुमानगढ़ी सबसे पहले यहां पर आएंगे, और उसके बाद फिर RJV जाना। RJV आप कह रहे हैं, मतलब राम जन्मभूमि? जी, राम जन्मभूमि। तो यहां से फिर वो इस रास्ते जो सामने दिख रहा है, इससे वो वापस लौट के फिर जाएंगे? देखिए, ये सब तो उनका जो रास्ता है, ऑलरेडी डिफरेंट एजेंसियों के साथ हम लोगों ने बैठ करके रूट को हम लोगों ने तय कर लिया। अच्छा, कहीं से किसी तरीके की कोई इनपुट, कोई ऐसी बात चिंता करने वाली? देखिए, जितने भी इनपुट्स हैं, इन सब पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है, और ये हम लोग के लिए चैलेंज है, और हम लोग निश्चित रूप से भगवान राम की कृपा से ये अच्छे तरीके से आज का प्रोग्राम सफल करेंगे। मैं पंकज जी एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और VVIP और अन्य लोगों के इर्द गिर्द जो भी हमारे सुरक्षा का घेरा है, वो कोविड फ्री रहेगा। मैं यही पूछने वाला था कि कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, तो यहाँ भी उस तरीके की हमने देखी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो रहा है? देखिए, जितने पुलिस कर्मी आपको मिलेंगे, सभी मास्क पहने हुए मिलेंगे, कोई पुलिस कर्मी बिना मास्क के ड्यूटी पर नहीं है, और जो हमारे VVIP के इर्द गिर्द जो भी पुलिस कर्मी रहेंगे, वो स्वस्थ पुलिस कर्मी रहेंगे, वो कोविड वॉरियर रहेंगे, जिनको साइंस कहते हैं। कोविड वॉरियर का मतलब क्या? कोविड वॉरियर का मतलब ये हुआ कि 25 जुलाई से पहले जो हमारे पुलिसकर्मी जो कि कोविड वॉरियर रहे, जिनको कोविड हुआ और कोविड से स्वस्थ होकर वो ड्यूटी अपने जिले में कर रहे थे, ऐसे लोगों की हमारे द्वारा ड्यूटी लगाई गई है PM VVIP के इर्द गिर्द में। अपने वादे को सार्थक करते हुए एबीपी न्यूज लगातार रख रहा है हर तस्वीर के जरिए आपको आगे। #RamMandirMeinABP के जरिए जुड़िए हमारे साथ, बताइए अपनी राय, ये बड़ी खबर जारी है।